हेलो गाइस, देखिए मेरे पास एक यूपी से गाड़ी आई हुई है, गैस टैंकर है। इसमें ड्राइवर का कहना यह है कि मेरा किलोमीटर नहीं चल रहा है। तो BS3 गाड़ी है, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसका मीटर वगैरह ठीक है, ये सब फ्यूज वगैरह भी सब चीज़ चेक कर लिए हैं। तो कभी कहना ड्राइवर का ये कहना है कि कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर सेंसर के पास चलते हैं। ये देखिए, हम किलोमीटर सेंसर खोले हुए हैं, मल्टीमीटर से इसका करंट चेक कर रहे हैं। इसमें जो करंट आता है, लाल तार पे 24 वोल्ट का सप्लाई आता है और सफ़ेद पे जो रेड कलर का लकीर रहता है उस पर 5 वोल्ट का सप्लाई आता है। तो सबसे पहले हम करंट चेक कर रहे थे कि मेरा करंट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए 24 वोल्ट सप्लाई दे रहा है। अब सबसे पहले क्या, कभी कभी क्या होता है, 24 वोल्ट सप्लाई मल्टीमीटर से दिखाता है लेकिन 24 वोल्ट प्रॉपर आता नहीं है। तो क्या टेस्ट लैंप वगैरह से चेक करेंगे? या देखिए बत्ती मेरा जल रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि मेरा 24 वोल्ट का जो सप्लाई है वो प्रॉपर आ रहा है। अब इसका देख लीजिए, जो कलर कोड है वो देख लीजिए क्या है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 5 वोल्ट का भी सप्लाई देख लेते हैं कि मेरा मीटर से 5 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है कि नहीं। 5 वोल्ट का भी सप्लाई प्रॉपर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मीटर चेक करते हैं। मेरा वायरिंग तो चेक हो गया, हाँ करंट भी बराबर है, ग्राउंड भी बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले आप मीटर चेक करेंगे कि मीटर का मेरा क्या दिक्कत है। इसका कलर कोड देख लीजिएगा क्या क्या आता है। ये कलर कोड है, इसमें एक ग्राउंड है, एक आपका मेन सप्लाई है 24 वोल्ट का। ये अब क्या करेंगे इसका, अब सबसे देसी जुगाड़ क्या है इसका चेक करने का कि मेरा मीटर सही है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, उसका जो बीच वाला है सफ़ेद पर रेड लकीर का जो उसमें रहेगा, ये सेंसर देखिए, यहाँ पे सेंसर लगता है, फाइबर वाला सेंसर लगता है। इसको सबसे पहले खोल लेते हैं और फिर उसका अंदर भी देखिए, उसके अंदर जो रहता है, जो सेंसर को घुमाता है, वो सब सही है कि नहीं। तो इसमें सब प्रॉपर सही है, ये सेंसर फाइबर वाला है, 3 पिन का आता है इसमें। तो अब क्या करेंगे, एक सबसे पहले जो मीटर तरफ से आया है उसमें क्या करेंगे, हम एक तार ले लेंगे और बीचे बीच वाला तार में डालेंगे और उसको अब क्या करेंगे, ग्राउंड से टच करेंगे। और अब देखना यह है कि यहाँ से काटा उठता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ ग्राउंड में हम टच करते हैं, अब देखना है कि काटा उठ रहा है कि नहीं। जाओ भाई दिखाओ काटा उठ रहा है कि नहीं, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ से काटा उठ जाता है तो फिर मेरा मीटर सही है और वायरिंग भी सही है। तो फिर हम दूसरा चीज़ चेक करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि मेरा काटा उठ रहा है कि नहीं। तो देखिए अभी काटा के मीटर के पास हम चलते हैं और वहाँ से ग्राउंड दे रहे हैं, अब देखते हैं उठता है कि नहीं। तो देखिए आज देखिए काटा तो उठ रहा है, अब इसका मतलब यही हुआ कि मेरा वायरिंग सही है और मीटर भी सही है। अब एक काम और कर रहे हैं कि इसमें कोई सेंसर तो नहीं ख़राब हो गया। तो सबसे पहले क्या करें कि जो सेंसर का पिन है वो लगा दें और सेंसर जैसे घुमाने वाला, जैसे घूमता है गियर में, उसको क्या कर घुमा करके चेक करना है। इसे घुमाइएगा जब हाथ से तो काटा इस उठना चाहिए। तो सेंसर भी मेरा ओके है और ये भी ओके है। अब देखते हैं, घुमा रहे हैं यहाँ तो मीटर में देखते हैं किलोमीटर का काटा ऊपर सुई उठ रहा है कि नहीं। तो देखिए सुई भी उठ रहा है, तो मेरा सेंसर भी सही है, सेंसर भी सही है। कोई ड्राइवर का यह कहना था कि कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इसका मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा बारीक फॉल्ट है। कभी कभी यह होता है कि सब चीज़ चल रहा है, करंट भी आ रहा है, सेंसर भी सही उठ रहा है, सेंसर भी यहाँ से भी उठा के देख लिए, ग्राउंड भी दे करके देख लिए, सब चीज़ दे करके देख लिए, फिर भी नहीं उठ रहा है। तो इसमें क्या है कि पिन जो होता है कपलर, 3 पिन वाला जो कपलर है किलोमीटर का, उसको सबसे पहले हम क्या करें, दबा करके लगा देते हैं और फिर चेक करते हैं कि मेरा काटा उठ रहा है कि नहीं, और गाड़ी फिर ड्राइव करके देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं। इसका आगे रेडिएटर के पास भी आता है कपलर, वो देखिए इसका कलर कोड ये है और इसमें देखिए यहाँ पे तार सट रहा था, सटेगा तब पर भी नहीं काम करेगा, ये फिर नहीं काम करेगा। तो सबसे पहले इसको क्या बढ़िया से टेपिंग वगैरह कर देते हैं हम और